जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो अप्रेंटिस पदों की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको टोटल 196 पदों पर भर्ती की जाएगी अप्रेंटिस के लिए। इसमें आपको सारे डिटेल्स देने वाले हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, इसकी सैलरी को लेकर और किस किस पोस्ट पर इसमें आपकी भर्ती की जाएगी, आपकी कौन कौन सी ट्रेड आईटीआई ली जाएगी, सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो दोस्तों इसका जो नेम है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन 196 एक्ट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। इसकी टोटल वैकेंसीज है वो 196 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए वो 1 जून 2020 की स्टार्टिंग डेट है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2020 की लास्ट डेट है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास, तो जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 170 रुपये प्लस आपका GST लगेगा या फिर आपका 70 रुपये पोर्टल फीस लगेगा। इसके बाद बात करते हैं SC ST PH के लिए, तो इसमें आपको केवल 70 रुपये पोर्टल फीस लगेगी। इसकी पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम आपकी 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 24 साल होनी चाहिए। इसकी आपकी जो एज ली जाएगी वो 1 दिसंबर 2019 आपकी एज ली जाएगी। इसमें आपको SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों एज में अच्छी खासी आपको छूट मिल रही है। अब मिनिमम आप 15 साल से स्टार्टिंग है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप 10th पास होने के बाद ITI पास हैं तो आप 15 साल की एज में भी इसको भर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। अब दोस्तों जॉब लोकेशन जो इसकी है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इसकी झांसी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो वगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी है इसकी, यानी उत्तर प्रदेश झांसी। अब दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो आपको मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास है वो भी ठीक है इसके, जिसमें आपको मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए भी, तो आपके साथ साथ ITI पास होना चाहिए किसी भी जो इसमें आपको ट्रेड दी गई है। इनमें आपको जो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जो फिटर ट्रेड के लोगों के लिए 190 पोस्ट है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो आपका है वेल्डर या गैस या इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए इसमें आपकी 50 पोस्ट है। इसके बाद आपका था मैकेनिक मशीन एंड टूल मेंटेनेंस के लिए इसमें आपको 13 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए इसमें 12 है, पेंटर के लिए 16, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 12 ट्रेड है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको 3 पोस्ट है। यानी टोटल जो आपकी इसमें भर्ती की जाएगी वो टोटल 196 पदों पर भर्ती की जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखी है और इधर आपकी ट्रेड्स लिखी है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद इसके बात करते हैं हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल इंटरव्यू के बेस्ड पर होगा, जो आपका ट्रेड का टेस्ट है वो इंटरव्यू के बेस्ड पर होगा। आपको जो पेमेंट मिलेगी वो अप्रेंटिस जो एक्ट के अनुसार आपको इसमें पेमेंट मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस पदों की है भर्ती। आपके यहाँ पर एड्रेस लिखा है, नोटिफिकेशन डेट लिखी है, इसमें आपके झांसी के लिए जिला के लिए है, इसमें आपकी सारी डिटेल दी हुई है, ठीक दोस्तों। दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में बताया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, इसमें आपकी फीस कितनी लगेगी और आपकी सैलरी क्या मिलेगी, सारी डिटेल दोस्तों दिया गया है। इसको अप्लाई करने आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.mponline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जाकर आपको अप्लाई करना होगा। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक दोस्तों। इसके बाद इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें आपका पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो सिग्नेचर और इसके साथ साथ आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट थंबनेल होना चाहिए, मैं थंब लगाना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट होगा SC ST OBC के लिए। तो दोस्तों इसमें आपके सारी डिटेल लिखी हुई है, तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और तभी अप्लाई आप लोगों को करना है। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये डाउट लग रहा है, और जिसको इसकी नॉर्थन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दूसरी वेबसाइट ये है www.ncrindiarailway.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ भी आप जाकर इसकी नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें ये डाउट लगता है, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों जल्दी से उसमें भी हमको फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 की जो 196 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।